हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं एक छोटा सा देसी जुगाड़ बहुत ही मेहनत के बावजूद मैंने बनाया हुआ है और बनाया हुआ है छोटा सा जुगाड़ है। तो मैं पहले जुगाड़ दिखाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कौन सा जुगाड़ है। तो ये देखिए हमारा जुगाड़ पाइप का है और पाइप से हम आज क्या करने वाले हैं, तो कुछ नया लेटेस्ट आपको इस वीडियो में जरूर जानकारी देंगे। और मैं बता देता हूँ कि इस पाइप में मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो मैं आपको एक बार कैमरे के सामने दिखा देता हूँ कि पाइप में कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है, पाइप एकदम सिंपली जो है कि आर पार एकदम क्लियर है और इससे इसका होल एकदम खुला हुआ है, कुछ भी इसमें लगाया नहीं गया है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं पाइप आपको दिखा देता हूँ, और जो है कि ये पाइप एकदम बिल्कुल साफ सुथरा और खुला है। और पाइप की लंबाई नियर अबाउट 1 मीटर की है, तो मैं 1 मीटर का ये पाइप काटा हूँ। और इससे क्या बनाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो मैं इस पाइप की सहायता से शंख की ध्वनि को उत्पन्न करने वाला हूँ, और किस प्रकार से मैं शंख की ध्वनि उत्पन्न कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जैसा कि शंख नहीं है, और कितने लोगों का कमेंट हमें मिल चुका है कि भाई साहब कुछ ऐसा जुगाड़ बताइए जो कि घर से ही बन सके, तो मैं ये जुगाड़ आज बहुत ही मेहनत के बावजूद, कितने दिनों से मेहनत करने के बावजूद ये बनाया हूँ, और उसके बावजूद जो है कि इसमें कुछ बनाया नहीं गया है। इसको जो है धुन खोजने के लिए मैंने बहुत सारे उपकरणों को यूज किया, लेकिन कोई वैसा दिखा नहीं। तो मैंने इस पाइप का यूज किया जो कि सक्सेस हो चुका है, और जो है कि मैं इस वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा। तो बिना शंख के, यानी बिना शंख के, अब तो शंख बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है, खरीदने को भी कम मिलता है। तो शंख नहीं है तो आप पाइप की सहायता से शंख की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो मैं इस पाइप की सहायता से, 1 मीटर लंबी पाइप है, इसकी सहायता से मैं आपको शंख की ध्वनि सुनाने वाला हूँ। तो अब मैं ध्वनि का जो है कि साउंड सुनाने वाला हूँ, जो है कि ध्वनि उत्पन्न करने वाला हूँ, कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो मैं आपको सुना देता हूँ। एक बार सुनिए, और एकदम बिल्कुल ओरिजिनल शंख जैसा ही साउंड आपको सुनने को मिलेगा। तो मैं अभी ट्राई करता हूँ एक बार। तो कुछ इस प्रकार से इसकी ध्वनि आ रही है पाइप की शंख के जैसा, और शंख से एकदम 95-98% मैच कर रहा है। तो मैंने इसमें कोई डिवाइस नहीं लगाया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। तो मैंने एक ये जो है मोटी पाइप जो है 1 इंच वाली वायरिंग की पाइप है, और मैं इसे 1 मीटर का लिया हूँ। तो एक बार और मैं आपको ध्वनि सुना देता हूँ, तो एक बार और आप ध्वनि सुन सकते हैं। तो मैं एक बार और आपके सामने सुनाता हूँ ध्वनि को, ये देखिए। तो कुछ इस प्रकार से ध्वनि इससे निकल रही है। तो बिना शंख के हम पाइप की सहायता से शंख की ध्वनि निकाल सकते हैं। और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी पाइप की सहायता से एक बार चेक कर सकते हैं और शंख की ध्वनि निकाल सकते हैं। तो ये जो लोग शंख बजाते हैं वही ध्वनि ये निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें फूकने से नहीं होता है, हवा अगर देंगे तो ये ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। हमें कुछ जैसे मुंह के द्वारा कुछ ध्वनि उत्पन्न करनी होती है, जैसा कि जो लोग शंख बजाते हैं वो लोग समझ सकते हैं ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो अगर आप भी ट्रायल करना चाहते हैं तो पाइप से ट्रायल कर सकते हैं। तो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।